फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंस्टाग्राम की लाइव एडिटिंग। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में लाइव आते हैं ना, उस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को भी अपनी फोटो को जैसे एडिट करना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को अच्छे समझाऊंगा मैं। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर दो, साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस टाइप की एडिटिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूं आप लोग के लिए। और इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक कर दिया करो। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ, ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। फोटो एडिट करने के लिए आप लोगों को कुछ इस टाइप के एक पोज में फोटो क्लिक करवाना है अपने। ऐसे मोबाइल पकड़ के आप लोग फोटो क्लिक करवा लीजिएगा अपनी, ठीक है। और ऐसे मतलब क्या है, पेड़ के साइड में आप लोग खड़े होकर फोटो क्लिक करवाइएगा, क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो ग्रीन कलर का होगा तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को फोटो क्लिक करवाना है, पर यहाँ पे तो थोड़ी सी एडिट है फोटो, तो यहाँ पे येलो कलर का है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे फोटो क्लिक करवाना है अपनी, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा रिटच करना है, तो आप लोग को यहाँ से अपने फोटो को क्या करना है, शेयर कर लेना है यहाँ पे लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और उसके बाद में आप लोग को बताऊंगा कि क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, यहाँ शेयर करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं अपनी लाइटरूम ऐप में, यहाँ पे ओपन कर लिए अपनी फोटो को। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटच करना है आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को लाइटिंग एडजस्टमेंट करना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पे जाते हैं साइकॉन में हम लोग लाइटिंग एडजस्टमेंट में। और उसके बाद आप लोग को एक्सपोजर को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। जैसे वाइट यहाँ पे लग रहा है ज़्यादा, तो हम लोग ने थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रास्ट को मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा लेता हूँ। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ हाईलाइट्स को भी बढ़ा लूँगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगा, शेडोज को भी यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वाइट्स को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, ठीक है, इतना कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ब्लैक्स को भी कम कर लूँगा। और उसके बाद में यहाँ पे जाता हूँ इस आइकॉन में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिक्स में क्लिक करेंगे। मिक्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अगर आप लोग का फेस अगर वाइट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ऑरेंज में क्लिक करके यहाँ सैचुरेशन को कम करके और लुमिनस को बढ़ा सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है येलो में और इसका सैचुरेशन कम कर लेना है, लुमिनस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है ग्रीन में, ग्रीन का सैचुरेशन भी आप लोग को कम कर लेना है, लुमिनस को अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा बाकी सब कलर को भी आप लोग को क्या है, सैचुरेशन कम कर लेना है, ठीक है, और लुमिनस को भी अपने अकॉर्डिंग करना है। और उसके बाद में आप लोग को जो भी कलर मिलेंगे बाकी सब का आप लोग कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग को देख देख के कर लेना है, बाकी सब देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं डन। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा इस आइकॉन में और यहाँ पे हम लोग टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लियरिटी को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, ज़्यादा बढ़ाने में ना मतलब अच्छी नहीं लगती आप लोगों की फोटो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और थोड़ा सा वेग्नेट इफेक्ट यहाँ पे कम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिजाइन को कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो में साथ में थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें ना मतलब थोड़ी और अपनी फोटो है ना वो क्लियर सी हो जाती है, मतलब क्या है ना, अपन लोग इंस्टाग्राम में अपलोड करते हैं ना तो और बढ़िया लगती है फोटो। तो इस टाइप से आप लोग कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ से करना है शेयर अपने मतलब फोटो को यहाँ पे कर लेना है शेयर अपने पिक्सआर्ट ऐप में। तो यहाँ पे मैं शेयर में क्लिक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा जो पिक्सआर्ट है उसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये रहा, यहाँ पे मैं पिक्सआर्ट में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग पिक्सआर्ट ऐप में चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आ चुके हैं अपने पिक्सआर्ट ऐप में, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे चेक करना है अपनी फोटो में कि आप लोग के जो साइड में है ना ब्लैक ब्लैक टाइप का रहना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का जो फेस है वहाँ पे आप लोग को व्हाइट रहना चाहिए, मतलब ऐसा रहना चाहिए कि मतलब जो हम PNG ऐड करेंगे ना वो बढ़िया तरीके से ऐड हो जाएगा आप लोग के, मतलब ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने टूल्स में और ऐसा जरूर करिएगा आप लोग अपने फोटो में जिसमें आप लोग की PNG अच्छे ऐड हो पाएगी, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग को टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है, ठीक है। और एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस को कम कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को रेजर में जाना है यहाँ से, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रेजर का साइज बता देता हूँ कुछ इस टाइप से। आप लोग को हार्डनेस को कम कर लेना है, यहाँ साइज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है। और अपने फेस में यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे हमारा जो फेस है ना वो ब्राइट टाइप लगेगा, ठीक है। और अपने कपड़ों में भी थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, तो इस टाइप से आप लोग को ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं डन, और यहाँ पे भी कर लेते हैं डन, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे ना तो मतलब PNG हम ऐड करेंगे ना तो वो अच्छे से ऐड नहीं हो पाएगी, मतलब अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से जाना है अपने ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को क्या करना है, एक PNG मिल जाएगी आप लोगों को, उससे आप लोग को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो आप लोग को दिखा देता हूँ वो PNG कहाँ पे गई, तो ये रही, ठीक है ना। तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को 2 टाइम्स लेना है ना फिर भी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं। और इसके बाद में आप लोग क्या करना है, इसे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड भी कर लिया, उसके बाद आप लोग को इसे साइड में रख लीजिएगा, ठीक है। एक ऊपर में लगाएंगे और एक नीचे में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, नीचे के साइड का हम लोग क्रॉप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं डन, ठीक है। यहाँ पे डन करने के बाद में आप लोग को यहाँ से जाना है अपनी ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पे, और उसके बाद आप लोग को स्क्रीन करना है इसे, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग ब्लैक नहीं करोगे ना, तो ये कुछ इस टाइप से मतलब ऐड नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो देखिएगा आप लोग, जरूर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना है, और उसके बाद में आप लोग को ऊपर का जो PNG है उसे भी आप लोग को क्रॉप कर लेना है यहाँ पे ऊपर के साइड का, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन, और यहाँ पे आप लोग को अपनी PNG यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाके, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन करके, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोग को ऐड कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो, तो मतलब दूसरी आईडी का यहाँ पे है, तो इसमें मतलब इसको आप लोग रेज भी कर सकते हो, या फिर अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो तो बन ही जाता होगा आप लोग को, यहाँ पे रेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को एक करना है, यहाँ से जाना है अपने ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को कुछ PNG मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली PNG है, ठीक है, इंस्टाग्राम की, और ये लाइक वाली, ठीक है। तो आप लोग को जो भी ऐड, तो आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइक वाली PNG को तो ऐड नहीं करूँगा यहाँ पे, तो ये इंस्टाग्राम की बस ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसे आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हो, या फिर उसे रोटेट करके यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कर लेना है डन। तो यहाँ पे हमारी फोटो एडिट हो, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ पे हमने मतलब कुछ PNG के बाद ऐड बस करें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से जाना है अपने ड्रॉ टूल में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ टूल में जाने के बाद में अपनी फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा कट लगा लेंगे, क्योंकि हमारी फोटो क्वालिटी में सेव होती है, ठीक है। हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा कट लगा लेते हैं, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं अपनी फोटो को सेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, यहीं तक था हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड को बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस टाइप की एडिटिंग वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।